तो गाइज़ हम आ चुके हैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर, जिसमें आपको दो चीज़ें हम बताएंगे। एक तो आप किस तरह से अपने बाइनेंस अकाउंट के थ्रू BNB को सीधा ट्रस्ट वॉलेट पे आप ट्रांसफ़र कर पाओगे। सेकंड स्टेप में जो करेंसी आपके ट्रस्ट वॉलेट में ऐड है उसको आप कैसे स्वैप या एक्सचेंज इजीली जो है कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स काफ़ी हेल्पफुल वीडियो आपके लिए होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, आपको बताते हैं। तो फर्स्ट जो प्रोसेस है हमारा वो है बाइनेंस अकाउंट से आप किस तरह से BNB को सीधा ट्रस्ट वॉलेट पर ट्रांसफ़र करेंगे। तो गाइज आपको सिंपली बाइनेंस को ओपन कर लेना है अपने मोबाइल के अंदर, और आप जो है वॉलेट पर क्लिक करेंगे नीचे कॉर्नर में राइट साइड में, तो ऐसे आपको पेज ओपन होगा। यहाँ पर ओवरव्यू स्पॉट फंडिंग आपको स्पॉट पे क्लिक करके और विड्रॉल पे क्लिक करना है फ्रेंड्स। तो विड्रॉल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हो BNB को अगर आपको नहीं शो हो। तो गाइज इस तरह से BNB को सिलेक्ट करोगे तो आप इस तरह का पेज ओपन होगा। तो गाइज अब ये जो प्रोसेस होने वाला है इसको आपको बड़े ही ध्यान से जो है वॉच करना है और समझना है। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एड्रेस का ऑप्शन है और नेटवर्क का ऑप्शन है और अमाउंट का ऑप्शन है। तो इन तीन ऑप्शन को हमें फिलअप करना है। यहाँ पर एड्रेस में हमें कौन सा एड्रेस फिलअप करना है दोस्तों, जिस एड्रेस पे हम BNB भेजेंगे ट्रस्ट वॉलेट के, वो एड्रेस हमें वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर नेटवर्क जो है मैं बताऊँगा आपको जब प्रोसेस हम करेंगे कि कौन सा नेटवर्क आपको सेलेक्ट करना है। अमाउंट आपके BNB के जितने भी आपके बाइनेंस वॉलेट में BNB है उसमें से आप जितने भी भेजना चाहते हैं तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, उसकी क्वांटिटी को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। तो चलिए हम चलते हैं ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर, ट्रस्ट वॉलेट को ओपन करते हैं। तो हम आ गए हैं ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर फ्रेंड्स, और ट्रस्ट वॉलेट को जैसे ही ओपन करते हैं तो देखिए इस तरह से जो है ये आपका होम पेज ओपन होगा। होम पेज पर आप देख सकते हो कि BNB हमारे पास 0 है, और आप देखेंगे BUSD हमारे पास कुछ BUSD जो है अवेलेबल है, लेकिन BNB जो है वो 0 है। तो अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर BNB चाहिए तो हमें BNB स्मार्ट चेन BNB को जो है वो क्लिक करके नेक्स्ट पेज ओपन करना है। तो देखिए इस पेज पर आपको तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, सेंड, रिसीव और स्वैप। तो आपको सिंपली से रिसीव के ऊपर क्लिक करना है और नेक्स्ट पेज पे आपको जाना है। नेक्स्ट पेज पे जाने के बाद आपको ये एड्रेस आपको मिलेगा यहाँ पर, तो अभी इसको आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी करके इस एड्रेस को मिनिमाइज़ करके ट्रस्ट वॉलेट ऐप को बाइनेंस के ऊपर चले जाना है। बाइनेंस के ऊपर जाकर आपको इस एड्रेस को पेस्ट कर देना है एड्रेस के ऑप्शन में। उसके बाद गाइस यहाँ पर नीचे नेटवर्क का ऑप्शन है, नेटवर्क के ऑप्शन को बड़े ही ध्यान से आपको फिलअप करना है। देखिए यहाँ पर जो आप नेटवर्क सेलेक्ट करेंगे वो स्मार्ट चेन, जो बाइनेंस स्मार्ट चेन का जो नेटवर्क है वो है BEP20। तो गाइज BEP20 को आपको सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आपको अपने BNB आपको ऐड कर लेने हैं, कितने BNB आप जो है सेंड करना चाहते हो। तो गाइज उसको करके आप कंफर्म कर दीजिए, नीचे कंफर्म का ऑप्शन आपको दिख रहा है। इस पे जब आप कंफर्म करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक बार और जो है ये कंफर्म मांगेगा, रिस्क वार्निंग देने के बाद आपको इसको पढ़ के कंफर्म कर देना है एग्री करके। गाइज यहाँ पर जो पेज अभी ओपन हो रखा है वो है वेरिफिकेशन का, यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको दोनों ऑप्शन में सेंड कोड क्लिक करना है, एक तो मोबाइल पे OTP जाएगा, दूसरा ईमेल आईडी में OTP जाएगा, वहाँ से आपको कॉपी करके इधर आपको पेस्ट करना पड़ेगा वेरिफिकेशन के पेज पर। तो देखिए मोबाइल का जो OTP है उसको कॉपी कर लेते हैं पहले, और कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद गाइज अब जाएंगे ईमेल आईडी पे जाएंगे, ईमेल आईडी से हम जो है उस OTP को उठाएंगे वहाँ से। तो इस तरह से जो है आपको OTP दिखाई देगा, यहाँ से आपको इसको कॉपी कर लेना है और आपको बाइनेंस के पेज पे जाके वेरिफिकेशन पेज पे इसको जो है आपको पेस्ट कर देना है यहाँ पर। तो पेस्ट करने के बाद सबमिट करना है, सबमिट करने के बाद दोस्तों ये रिक्वेस्ट जो है वो आपकी सबमिट हो जाएगी, और इसको आप और डिटेल से देख सकते हो। आप व्यू हिस्ट्री में जो है क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर BNB जो है ट्रांसफ़र हुए या नहीं, ये दिखा रहा है अभी प्रोसेसिंग में। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और हमें देखते हैं हम अपने ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर वहाँ पर BNB आए अभी नहीं आए। तो देखिए यहाँ पर BNB अभी नहीं आए, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, प्रोसेस तो काफ़ी जल्दी हो जाता है वैसे। तो देखिए फ्रेंड्स इसको रिफ्रेश करेंगे
तो आप देख सकते हो, ये देखिए BNB जो है वो ट्रांसफ़र हो चुके हैं हमारे ट्रस्ट वॉलेट पे, BNB जो है वो आ चुके हैं। तो चलिए अब दूसरा प्रोसेस जानते हैं। हमारे पास BNB और BUSD दो करेंसी हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है ट्रस्ट वॉलेट के अंदर। हमें ट्रस्ट वॉलेट के अंदर जो है किस तरह से स्वैप करना पड़ेगा करेंसी को, वो चीज़ आपको जो है अब बताते हैं। सेकेंड जो टॉपिक है वो यही है। तो गाइज़ ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी सिंपल है, ईजी है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो जिस भी करेंसी को आपको स्वैप करना है या एक्सचेंज करना है उस करेंसी के ऊपर आपको क्लिक करके नेक्स्ट पेज को ओपन करना है। तो जैसे मुझे BUSD को जो है अपना स्वैप करना है, तो BUSD को स्वैप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, BUSD के ऊपर ही क्लिक करना पड़ेगा। और BUSD के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह का आपके सामने ओपन होगा। ये देखिए इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें करना क्या है, स्वैप के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। तो गाइज हमें इसमें नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, स्वैप टू BNB को। इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए मैं इसको आपको दोबारा से अगेन जो है रिपीट करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमने स्वैप पे क्लिक किया, इस तरह के ऑप्शन आए। स्वैप टू BNB पे हम सिलेक्ट करेंगे, स्वैप टू BNB को क्लिक करके जो पेज आपके सामने ओपन होगा वो इस तरह से ओपन होगा। ये देखिए पेज ओपन हो रहा है, और ये पेज जैसे ओपन होगा तो आप यहाँ पर देखेंगे जिस भी करेंसी को आपको स्वैप करना है वो आपके ऊपर होनी चाहिए, और जिस करेंसी के अंदर उस करेंसी को आपको एक्सचेंज करना है वो नीचे होनी चाहिए। तो यहाँ पर कुछ जो है अपोजिट हो रखा है, इसको हम सेलेक्ट करके ये मिडिल में जो आपको एरो के साइन दिख रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे आपस में ऑप्शंस। तो इसको हम क्लिक करेंगे, देखिए फ्रेंड्स तो ये BUSD ऊपर चला जाएगा, BNB जो है नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें सेलेक्ट करने हैं BUSD हमें कितने जो है BNB के अंदर कन्वर्ट करने हैं, तो मुझे सारे करने हैं टोटल। तो मैं यहाँ पर आप परसेंटेज देख सकते हो 25, 50, 75, 100, तो मैं यहाँ पर 100% कर दूंगा क्योंकि मुझे सारे ही जो है वो कन्वर्ट करने हैं। तो ये सारे BUSD मेरे यहाँ पर आ गए, और BNB भी ऑटोमेटिकली जो है ये शो कर रहे हैं कि इतने BNB आपके जो है मिलेंगे इतने BUSD से। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर नीचे स्वैप का जो बटन दिख रहा है, स्वैप के बटन पे जो है वो ओके करना है, और इसको ओके करके आगे जो है वो बढ़ना है। तो गाइस स्वैप के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, ओके करोगे, तो इस तरह से नेक्स्ट पेज ओपन होगा। नेक्स्ट पेज ओपन होके आपको एक बार ये कन्फर्म मांगेगा, ये आपको दिखा रहा है, तो आपको इसको कन्फर्म करना पड़ेगा। कन्फर्म करने के बाद गाइस अब जब ये पेज ओपन होगा तो आपको जो है कन्फर्मेशन दिख जाएगा कि ये आपके करेंसी जो है वो एक्सचेंज हो गई या नहीं। तो ये हम यहाँ से बैक करेंगे, बैक करके जो है हम अपने उस पेज पर जाएंगे जहाँ पर हमें करेंसी शो होगी हमारे BNB। ये देखिए आप यहाँ पर नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं, नोटिफिकेशन में भी आपको दिख जाएगा कि ये जो है आपका प्रोसेस जो है वो पूरा हो चुका है। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे गाइस अभी नहीं आए हमारे पास, तो थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे, वेट करेंगे कुछ सेकंड। तो वेट करने के बाद जो है आप देख पाएंगे कि ये BNB जो है हमारे इसमें ऐड हो चुके होंगे। तो ये देखिए, तो गाइज ये आ गए हैं, देखिए 12.79 जो है अभी USDT हमारे पास है, और जो BNB को काउंट करें तो BNB भी जो है वो पूरे जो है टोटल हमारे पास आ चुके हैं। तो गाइज ये बड़े सिंपल ही प्रोसेस है, बट इनमें थोड़ा सा ना एक लॉजिक होता है जो कि हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है, और इस चीज़ को ध्यान रख के ही हमें करना है गाइज। तो दोस्तों स्क्रीन पर आपको कुछ दो वीडियो शो हो रही होंगी, जिसमें से एक वीडियो ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर ही बेस्ड है, जिसमें बताया गया है कि आप ट्रस्ट वॉलेट को किस तरह से एक्टिवेट या क्रिएट कर सकते हो। एंड सेकेंड वीडियो जो है वो है YouTube पर वीडियो अपलोड करने का सही तरीका, जिसमें बताया गया है आपको पूरा प्रोसेस वीडियो अपलोड करने के बारे में। तो इन वीडियो को भी आप देख सकते हो गाइज। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।